हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैंने एक करवा चौथ पर अभी वीडियो बनाई थी रिसेंटली, तो वो सूट पे मैंने बनाई थी। तो आज मैं बना रही हूँ एक लहंगे पे। वो ये प्रॉपर ब्राइडल लहंगा नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक सिंपल सा प्लेन सा लहंगा है। मेकअप स्टार्ट करती हूँ, तो सबसे पहले मैं अपने बालों को ट्राई कर लेती हूँ। ग्रीन का टोनर है, तो मेकअप करने से पहले अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप कर लीजिएगा। टोनर के बाद मैं ये बायोटेक का मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ। मॉइस्चराइजर जरूर लगाइएगा, इससे आपकी स्किन अच्छे से हाइड्रेट रहेगी। और जिनकी ड्राई स्किन है वो तो जरूर लगाएं। फाउंडेशन से पहले मैं लगा रही हूँ प्राइमर। आपके पास जो भी प्राइमर हो, प्राइमर जरूर लगाइएगा, इससे आपका मेकअप बहुत अच्छे से स्टे करेगा, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। और जहाँ जहाँ आपको थोड़ा सा डार्क स्किन लग रही है, तो वहाँ पर आप कलर करेक्टर लगा लीजिए, ऑरेंज कलर करेक्टर लगा लीजिएगा। माउथ के राउंड जरूर लगाइएगा, नहीं तो फिर अनइवन लगता है। और रात में तो चल भी जाता, क्योंकि थोड़ा सा हैवी मेकअप रहेगा तो अच्छा लगेगा। तो देखिए मैंने ये लगा, अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी अपना कंसीलर। आप कोई सा भी अपने स्किन टोन के हिसाब से थोड़ा लाइटर शेड लेके इसको अच्छे से लगा लीजिए। पूरा ब्लेंड नहीं करना, बस हल्का हल्का टैप करना है ऐसे ऐसे ड्राइव मोशन में, नहीं तो उसी में मिक्स होकर वो पूरा वो ऑरेंज ऑरेंज लगेगा तो अच्छा नहीं लगता है। बस मैं उसको पैक कर दे रही हूँ करेक्टर को, ताकि वो मेरी स्किन के शेड का हो जाए। देखिए ऐसे करना है, आपको कहीं भी ऑरेंज का वो शेड वो नहीं समझ में आ रहा है ना, उसको बस अच्छे से पैक कर देना जो आपने कलर करेक्टर लगाया है। मतलब पाउडर से इसको शेड कर ले रही हूँ, ताकि जो भी मैंने अंदर कलर करेक्टर और ऊपर से कंसीलर लगाया ये कहीं भी हिले ना। देखिए अच्छे से मैंने इसको पैक कर लीजिए, आप देख सकते हैं। इल्यूमिनेटर है ये स्विस ब्यूटी का, तो मैं सबसे पहले इसको हल्का हल्का अप्लाई कर रही हूँ। जहाँ जहाँ आप हाईलाइटर लगाते हैं वहाँ वहाँ मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा। रात के टाइम में बहुत प्यारा लगता है इसका लुक, थोड़ा सा नोज पे, क्यूपिड पे, थोड़ा सा फोरहेड पे। और जितना बचा कुछ है उसको मैं फाउंडेशन में ब्लेंड कर दे रही हूँ। फाउंडेशन को अच्छे से अप्लाई कर लीजिए, थोड़ा सा फुल कवरेज ही रखिएगा रात में, और अच्छा भी लगता है, लुक काफ़ी अच्छा आता है। इसको अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। तो आपको जो भी आप ब्लेंडर ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करें ना, उसको हल्का सा वेट करने के बाद उसको अच्छे से निचोड़ लीजिए। तो क्या होता है, जो भी आप मैंने आप जैसे फाउंडेशन लगाया, तो ये जो फाउंडेशन है ब्यूटी ब्लेंडर काफ़ी ज़्यादा सोख लेता है, तो इससे आपका प्रोडक्ट काफ़ी वेस्टेज भी हो जाती है। तो देखिए अच्छे से मैं इसको ब्लेंड कर ले रही हूँ। देखिए कितना अच्छा कवरेज आ गया, फुल कवरेज मुझे मिल गया है। देखिए मेरा बेस अच्छे से हो गया है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, जो भी मेरे हाथ में ये प्रोडक्ट बचा हुआ है, तो उसको मैं अपने ईयर पर, क्योंकि अगर आपका मेरा देखिए फेस कितना ब्राइट वाइट सा दिख रहा है और नेक मेरा थोड़ा अलग लग रहा है, तो ये बहुत बेकार लगता है। इसलिए अपने नेक को और ईयर को जरूर कवर करिएगा। मेरा बेस अच्छे से हो गया है, और जो भी प्रोडक्ट मेरी ये ब्यूटी ब्लेंडर है, उसको मैं अपने आई लिड वगैरह पर भी सेट कर दे रही हूँ। देखिए अच्छे से इसको कर लीजिए, तो आपका एक जीरो वेस्टेज होगा। और बचा कुछ प्रोडक्ट अपने कान पे नेक पे जरूर अप्लाई करिएगा, तो देखिए कितना ह्यूज डिफरेंस है दोनों में, ये देख सकते हैं आप, तो इसलिए ज़रूर यूज़ करिएगा। अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा लिक्विड ब्लश आपको लगाना है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर अभी मैं सेट करूँगी, तो ये अगर आपको ज़्यादा भी लग रहा है तो वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, थोड़ा सा रात में अच्छा लगता है। सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। देखिए सुंदर सा आ गया है ना। अब मैं क्या करूँगी, इस पूरे मेकअप को अच्छे से शेड करूँगी पाउडर से। तो सबसे पहले अपनी जहाँ जहाँ मैंने सबसे पहले इस पाउडर को अच्छे से सेट कर लीजिए। मैंने सेट कर लिया है, तो ये अपनी अंडर आई और ये सब थोड़ा सा और थोड़ा सा हाईलाइट करनी है, तो आप थोड़ा सा कंसीलर और यूज़ कर लीजिए, उससे उनका जो हाई पॉइंट है अच्छे से हाईलाइट हो जाता है। बहुत ही थोड़ा थोड़ा मैंने जो प्रोडक्ट फोन पर लगा हुआ था, मैंने सिर्फ उसी को यूज़ किया, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिया है। अब सेम इसी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प उसको अच्छे से मैं ड्राइव मोशन पे अप्लाई कर लूँगी। यहाँ मैंने दो बार कंसीलर यूज़ किया था, एक तो मैंने कलर करेक्टर को हाइड करने के लिए, और सेकेंड मैं अपने अंडर आई और ब्रिज ऑफ द नोज वगैरह को हाईलाइट करने के लिए। और ये बेस आपका बहुत ही सुंदर नाइट में बहुत ही प्यारा लगता है, लेकिन अभी से इतना प्यारा लग रहा है। और बहुत लोगों को अगर ज़्यादा लग रहा है कोई बात नहीं, थोड़ा सा मेकअप बाद में सेट भी होता है। करूँगी अपनी आईब्रोज को फिल,
ये आईब्रो की लाइन जैसे ये मेरी थोड़ी आर्च में है, फिर इसकी लाइन लेके आती हूँ धीरे धीरे, सेम ऐसे ही फिल करती जा रही हूँ। नीचे ऐसे लाके मैं इसे ऐसे जोड़ देती हूँ। दोनों आप डिफरेंस देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है, थोड़ी सी लाइट लगी तो मैं दोनों को फिल कर लेती हूँ। और आईब्रो करने के बाद देखिए लुक पूरा एकदम समझ में आने लगता है कि मेकअप कम ज़्यादा नहीं है, एकदम परफेक्ट है। मैंने मेकअप मास्क कलर के साथ मैं ये शेड ले रही हूँ, उसको मैंने ले लिया है। इस पर उसको हमेशा जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करिएगा पाउडर फॉर्म में, तो हमेशा उसको देखिए टैप करने के बाद कितना एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकल जाता है, तो आपके फेस पर कुछ भी ज़्यादा नहीं होगा। जब भी आप कॉन्ट्रोल करिए तो उसको अपनी हेयर लाइन के अंदर ही ले जाइए अप्रोड में। अगर आपको कॉन्ट्रोल करना तो आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैंने उसको कंट्रोल कर लिया है और सेम इसी ब्रश से मैं थोड़ा सा इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। सारा गेम ब्लेंडिंग का है, आप अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। देखिए ना कितनी शार्प हो गई मेरी, मुझे ऐसे पॉइंटेड नोज अच्छी लगती है, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। इससे पहले मैंने लगाया था लिक्विड ब्लश, अब मैं लगाऊंगी और थोड़ा सा पाउडर ब्लश, थोड़ा सा ये शिमर टाइप का शेड है, तो मैं इसी को लेके थोड़ा सा स्माइली फेस करके अब आते हैं आई मेकअप पे। वेट एंड वाइल्ड की वो है कि मैं इस बड़े ब्रश से कर रही हूँ, आपके पास कोई छोटा ब्रश मेरे पास कोई नहीं यहाँ पे है नहीं, तो मैं इसी से इसको आगे थोड़ा सा ये करके ऐसे मैं इसी से अपना इसमें हो गया, कितना प्यारा सा लुक आ गया है ना। और सेम ऐसे क्या करना है, आप कोई भी छोटा सा ब्रश ले लीजिएगा और सेम इसी को आपको ट्रांजिशन शेड जो आपने इस थोड़ा सा ग्रेस टाइप था इसको अपने लोअर जहाँ पे आपने काजल लगाया इसको थोड़ा सा स्मोक आउट करना है। तो मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा ये चॉकलेट टाइप का आपको दिख रहा है ना, ये ग्लिटर टाइप का है, देखिए ब्लैक नहीं है एक्चुअली में, ब्लैक कैमरे में आ रहा है, देखिए ये शेड है थोड़ा कोक टाइप का। तो मैं इसे और इसे दोनों को मिक्स करके अपने आईलिड पर प्लेस कर रही हूँ। जो जो आपने आईलिड पे अभी अप्लाई किया था सेम कोक कलर और थोड़ा सा ब्राउनिश टाइप का कलर था कम्प्लीट हो जाएगा, प्लस जो मैंने काजल से थोड़ा सा स्मोक आउट किया था वो भी फैलेगा नहीं। और जो मेरे आई का इनर कॉर्नर है ये हाइलाइटर है, अपने हाई पॉइंट्स जहाँ जहाँ हैं सबसे पहले तो ये इनर कॉर्नर जो है, ये आईज का आगे अलग कॉर्नर जो है, तो इसे पहले अच्छे से हाईलाइट करूँगी। रात में हाईलाइटर लेके मैं यहाँ पर अपने हाई पॉइंट्स पर अप्लाई कर रही हूँ। प्रोडक्ट मुझे ज़्यादा ले लिया मैंने कोई बात नहीं, पर ये अच्छा लगता है। उसे नोज को भी थोड़ा सा हाईलाइट है, डिस्क्लेमर पहले दे दे रही हूँ कि अभी मेरी शादी वादी कुछ नहीं हुई है, बस मैं अगर सिंदूर वगैरह लगाती, सिंदूर नहीं तो मैं लिपस्टिक से तो लगा ही सकती हूँ। ये रेड पे ये क्या बोलते हैं ग्रीन कॉम्प्लीमेंट करता है, मुझे अच्छा लग रहा था ये लुक। और मैंने इसके साथ साथ ये मम्मी का ये भी है इसको क्या बोलते हैं जूड़ा टाइप का, तो अगर आप जूड़ा बनाती हैं तो कोई भी फ्लावर या फिर जूड़ा टाइप का जो भी इसको बोलते हैं तो आप इसको पहन सकती हैं। मैं बिंदी लगाना बोल रही थी तो मैं देखती हूँ उसके कौन सी कोई बिंदी लगाऊंगी, देखती हूँ कैसा लगता है लुक, तो ज़्यादा हो गया लग रही, मेरे पास कोई बिंदी ढंग की है तो लुक हो गया कम्प्लीट। और आपको ये लुक कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और अगर आपको मेरा ये लुक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपनी फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ। और करवा चौथ आने वाला तो आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। मेहंदी को खाली जरूर लगा लीजिएगा, मैंने तो मुझे कुछ ऐसा करना नहीं था, अभी मैं नेल पेंट वगैरह भी छुड़ा दूँगी क्योंकि छोटे छोटे नेल्स हैं मेरे, इसका कोई मतलब ही नहीं इस नेल्स का। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू, बाय बाय, लव यू।